हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 36 के बारे में बताएंगे। एंड फ्रेंड्स, इसमें अब प्रयोग होने वाला है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित पोजेसिव प्रोनाउन्स हैं, यहाँ पे माइन, आवर्स, योर्स, हियर्स, हीज एंड देयर्स। तो इन सभी को आपको याद कर लेना है। उसके बाद है जब हिंदी वाक्यों में मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उन लोगों का आए और इसके ठीक बाद कोई नाउन न रहे, ठीक है, कोई नाउन नहीं रहे, तब अंग्रेजी अनुवाद में पोजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह मेज मेरी है। ठीक है, यह मेज मेरी है। तो अब यहाँ पे देखिए कि दिस, अब देखिए यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन है नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे देखिए दिस टेबल इज माइन, वह कुर्सी तुम्हारी है, दैट चेयर इज योर्स, इसी तरह से है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ और दिया गया है, यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे आप सभी को ये सभी जो है पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन। तो चलिए इसका सॉल्व एग्जांपल देगा आपको, इन सभी को रट लेना है, इन सभी को जितने भी इन सभी को रट लेना है, फिर आपको ये सभी बनेगा। ठीक है, बनेगा। यहाँ पे यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरी के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिस बुक इज माइन। वह तुम्हारा है, दैट इज योर्स। यह स्कूल हमारा है, दिस स्कूल इज आवर्स। और वह साड़ी उसकी है, दैट साड़ी इज हियर्स। वह घड़ी उसकी है, पुरुष के लिए है, तो दिस वॉच इज हीज। और वह उन लोगों का है, दैट इज देयर्स। वो यह मेरे हैं, दीज आर माइन। वे पुस्तकें आपकी है, दोज बुक्स आर योर्स। ये साड़ियाँ उसकी है, दीज साड़ी आर हियर्स। तो फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज 36 है। तो 36 में आपको करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे दो तरह के वाक्य दिए गए हैं। तो शुरू में ये दिया गया है, यह मेरी गाय, क्योंकि आप मेरी के बाद देखिए गाय है यानी नाउन है, इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे होगा दिस इज माय कॉ, दिस इज माय कॉ, यह गाय मेरी है, नाउन नहीं है लास्ट में। तो यहाँ पे होगा दिस कॉ इज माइन, दिस कॉ इज माइन, ये गाय मेरी है, दिज कॉज आर माइन। ठीक है, दिज कॉज आर माइन, यह मेरा है, दिस इज माइन, दिस इज माइन। वह कलम तुम्हारी है, ठीक है, वह कलम तुम्हारी है, दैट पेन इज योर्स, दैट पेन इज योर्स। वह तुम्हारी कलम है, वह तुम्हारी कलम है, यहाँ पे देखिए तुम्हारी के बाद कलम है, इसलिए यहाँ पे हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे होगा दैट, दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेन, वह तुम्हारी है। यहाँ पे देखिए नाउन लास्ट में नहीं है, यहाँ पे लगाएंगे दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। वे कलमें तुम्हारी है, यहाँ पर भी नहीं है नाउन, तो यहाँ पे होगा दिज, दिज पेन्स आर योर्स, दिज पेन्स आर योर्स। यह घर आप लोगों का है, यह घर आप लोगों का है। तो यहाँ पे होगा कि दिस हाउस, ठीक है, दिस हाउस आर योर्स, दिस हाउस आर योर्स, यह आप लोगों का घर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाउन है लास्ट में, तो यहाँ पे होगा दिस, दिस इज, सॉरी यहाँ पे होगा दिस हाउस इज योर्स। ठीक है, दिस हाउस इज योर्स, मिस हो जाता कहीं कहीं, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे होगा यह आप लोगों का घर है, तो इसका बनेगा दिस इज योर हाउस, दिस इज योर हाउस, यहाँ पे योर्स लगाना है और यहाँ पे योर। यह गांव हमारा है, दिस विलेज इज आवर्स। ठीक है, दिस विलेज, विलेज इज आवर्स, यह हमारा गाँव है। तो यहाँ पे होगा दिस इज आवर विलेज, दिस इज आवर विलेज, ये कुत्ते हमारे हैं, दिज डॉग्स आर आवर्स, दिज डॉग्स आर आवर्स, वह हमारा है, दैट इज आवर्स, दैट इज आवर्स, यह साड़ी, यह उसकी साड़ी है। तो यहाँ पर होगा दिस इज हर साड़ी, दिस इज हर साड़ी, यह साड़ी उसकी है। तो यहाँ बनेगा दिस साड़ी इज हर्स। ठीक है, दिस साड़ी इज हर्स। उसके बाद ये साड़ियाँ उसकी है, दिज साड़ी, साड़ीज आर इट्स। ठीक है, हर्स होगा, सॉरी, दिज साड़ीज इज, साड़ीज आर हर्स। ठीक है, दिज साड़िया, साड़ीज ऐसे आर डबल एस आर हर्स, यह कुत्ता उसका है। यहाँ बनेगा दिस डॉग इज हीज, दिस डॉग इज हीज, वह उसका कुत्ता है। यहाँ बनेगा दिस इज हिज डॉग, दिस इज हिज डॉग, ये कुत्ते उसके हैं, दिज डॉग्स आर हिज्स, हिज। ठीक है, दिस डॉग्स, दिज डॉग्स आर हिज, वह उसका है, दैट इज
हीज दैट इज हीज या उन लोगों का है, दिस इज देयर्स, ठीक है, दिस इज देयर्स, वे उन लोगों के घोड़े हैं, वे उन लोगों के घोड़े हैं, यहाँ पर देखिए नाउन है, यहाँ पे होगा दीज आर देयर्स हॉर्सेज, दीज आर देयर्स हॉर्सेज, वे घोड़े उन लोगों के हैं, यहाँ पे होगा दोज, ठीक है, यहाँ पे दोज होगा, सॉरी यहाँ पे होगा दोज आर देयर्स हॉर्सेज, दोज आर देयर्स हॉर्सेज, वे घोड़े उन लोगों के हैं, तो यहाँ पे होगा दोज आर, दोज हॉर्सेज आर देयर्स, दोज हॉर्सेज आर देयर्स, यह उन लोगों का है, ठीक है, यह उन लोगों का है, तो यहाँ पर होगा दिस दिस इज देयर्स, दिस इज देयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस पर अपनी पसंद की वीडियो मिलती है इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आने वाले घंटे के निशान को दबाइए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।